दोस्तों, अगर आप घर बैठे ही सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो भाई आपके लिए नेक्स्टफिन इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो भाई इस वीडियो में नेक्स्टफिन एप्लीकेशन के बारे में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। एप्लीकेशन कैसी है, कैसी नहीं है, एप्लीकेशन आपको कितने रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवा सकती है, जितने रुपये का भी आपका लोन बनेगा इस लोन पर एप्लीकेशन आपसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, एंड इस लोन का जो टाइम पीरियड है एप्लीकेशन आपको कितना देगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगी, भाई ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप करना है नेक्स्टफिन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। आप जैसे ये लिख के टाइप करेंगे तो भाई कुछ इस प्रकार का लोगो आपके सामने बनकर आ जाएगा। अब दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन से अगर लोन ले रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसी एप्लीकेशन से लोन लेना है, भाई आप किसी भी एप्लीकेशन से अगर लोन ले रहे हैं तो आपको दो मिनट का टाइम निकालकर उस एप्लीकेशन के बारे में एक बार आपको जान लेना है। आप किसी भी एप्लीकेशन से अगर लोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, जैसे आप अपना पैन कार्ड देंगे, आप अपना आधार कार्ड देंगे, अदरवाइज काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन को आप प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपका इतना हक बनता है कि एप्लीकेशन के बारे में एक बार आपको जान लेना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे ही अपनी डिटेल प्रोवाइड करवा देते हैं तो आज के टाइम में आपको पता होगा काफ़ी सारे स्कैम चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप फ्रॉड के शिकार हो जाए। तो एप्लीकेशन की सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर रेटिंग देखेंगे तो 4.5 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है। अगर हम यहाँ पर डाउनलोडिंग की बात करते हैं तो एप्लीकेशन को 100K+ लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन यहां पर नई है तो यहां पर डाउनलोडिंग आपको थोड़ी कम देखने को मिल जाएगी। ज्यादा जानने के लिए हम यहां पर अबाउट सेक्शन में चलेंगे। अबाउट सेक्शन में चलकर हम यहां पर देखते हैं तो भाई एप्लीकेशन ऊपर में आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC है, जो कि 1997 से ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको 50,000 रुपये से लेकर पूरे 5 करोड़ रुपये तक का लोन ऑफर कर देती है। भाई यहाँ पर 5 करोड़ तो नहीं, बट यहाँ पर एप्लीकेशन लगभग आपको 50,000 रुपये तक का तो लोन ऑफर ही कर देगी आपकी डिटेल्स के आधार पर। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम एप्लीकेशन आपसे 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेती है। टाइम पीरियड की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको लगभग 6 महीने से पूरे 60 महीने का टाइम पीरियड दे देती है। अगर आपको ज़्यादा लोन मिलता है तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, अगर आपको कम लोन का अमाउंट मिलता है तो थोड़ा कम टाइम आपको मिल जाएगा जिसमें आप आसानी से लोन को चुका सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नीचे अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर लोन के काफ़ी सारे एग्जांपल भी देखने को मिल जाएंगे कि अगर आपका 50,000 रुपये का लोन अप्रूव होता है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना टाइम पीरियड आपको ये एप्लीकेशन देगी, टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में कितना डिस्पर्सल किया जाएगा, टोटल आपको EMI कितनी पे करनी होगी, कितने रुपये की आपकी EMI बनेगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक बार आकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे और एप्लीकेशन को हम यहाँ पर इंस्टॉल करके लाइव अप्लाई करके देखने वाले हैं कि वाकई में एप्लीकेशन लोन देगी या फिर नहीं देगी, अगर देगी तो कितने रुपये तक का लोन देगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, कितना टाइम पीरियड तक हमें लोन देगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेगी, भाई ए टू जेड प्रोसेस अब हम यहाँ पर लाइव अप्लाई करके देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है एंड ओपन के बटन पर हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद में सिंपली हम गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कैमरा एंड स्टोरेज को हम यहाँ पर परमिशन देंगे, तो नीचे चेकबॉक्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद में सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे, परमिशन दे देंगे। इसके बाद में भाई हमारा मोबाइल नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP से आप अपने मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। तो भाई आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नेम है वो फुल नेम आप यहाँ पर नीचे फिल कर देंगे। फुल नेम फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ नेम। इसके बाद में आपका जो भी फादर्स का नेम है भाई फादर्स का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल ID आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर डाल देंगे, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल करेंगे। सारी चीज़ आप यहाँ पर डाल देंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ब्यूरो डिटेल, आपको अपनी फाइनेंशियल ब्यूरो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो भाई आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सैलरीड पर्सन है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सैलरीड पर्सन ही चुना हुआ आपको मिलेगा। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे या फिर सैलरीड पर्सन चुन लेंगे। इसके बाद में आपकी जो भी मंथली सैलरी है वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जो सैलरी है वो आपके चेक के थ्रू आती है या फिर बैंक में ट्रांसफर की जाती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल करेंगे एंड बैंक का चुनाव आप यहाँ पर कर देंगे। तो जिस बैंक में भी आपकी सैलरी आती है उस बैंक का चुनाव आप यहाँ पर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बैंक का नेम यहाँ पर डाल दिया है, कैनरा बैंक। इसके बाद में कंपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपकी जो भी कोई दूसरी
उसकी ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कंपनी ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल देंगे एंड यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्री नेम, आप जिस इंडस्ट्री जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं वो इंडस्ट्री नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस करंट कंपनी, यानी कि आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं, उस जगह पर काम करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है वो टाइम आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए कितना टाइम का आपको एक्सपीरियंस हो गया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपको अपने एड्रेस को यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो अब भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपने एड्रेस को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, तो आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस अब इस सेक्शन में आपको यहाँ पर फिल करना है। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउस बिल्डिंग नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे, आपका जो भी एरिया स्ट्रीट लैंडमार्क है, पिन कोड है, सिटी है, आपका स्टेट है एंड आपका जो करंट रेजिडेंशियल टाइप है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। करंट रेजिडेंशियल टाइप से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो खुद का है, तो आप यहाँ पर ओनर पर क्लिक करेंगे या फिर आप रेंट पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रीट साइन यानी आप कितने टाइम से यहाँ पर अपने एड्रेस पर रह रहे हैं वो डेट सारी चीज़ आप यहाँ पर फिल करेंगे, यानी कि आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपनी एक आइडेंटिटी के तौर पर आपको अपनी सेल्फी यहाँ पर क्लिक करनी होगी एंड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप अपनी एक सेल्फी ले लेंगे एंड आपका पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको अपना बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा एंड आपको 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप को भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर लिखकर आ चुका है। आप यहाँ पर पीछे देखेंगे तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीटली अपलोड कर दिया है। इसके बाद में आपका जो भी लोन ऑफर है वो आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई एप्लीकेशन से अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम यहाँ पर 90 दिन का टाइम पीरियड चुनते हैं तो आपको EMI देखने को मिल जाएगी एंड इंटरेस्ट रेट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहां पर 10,000 को लोन को चुकाने में हम यहां पर 120 दिन का टाइम लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते 2690 रुपए की EMI हम यहां पर देखने को मिल रही है, टोटल इंटरेस्ट भी आपको यहां पर साइड में देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर नीचे चेक लोन डिटेल्स पर क्लिक करके भाई आप यहां पर कंप्लीट लोन की डिटेल भी यहां पर देख सकते हैं। तो आप यहां पर कंप्लीट लोन डिटेल यहां पर देख लेंगे तो अब आप यहां पर देखेंगे आपकी खुद की डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। भाई इससे आगे का जो प्रोसेस है, अब लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट को आप अपने OTP के थ्रू यहाँ पर ईसाइन कंप्लीट कर लेंगे। एग्रीमेंट बनने के बाद में आपको अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर देनी होगी, जिस बैंक में भी लोन का पैसा चाहते हैं। ध्यान रहे उस बैंक का आपको नेट बैंकिंग चलाते हो या फिर आपके पास में डेबिट कार्ड होना चाहिए ताकि आप ऑटो सेटअप पे यहाँ पर कर सके। आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ऑटो सेटअप पे कर लेंगे। बेसिकली ऑटो सेटअप पे क्या होता है, आप जिस बैंक में भी लोन का जो पैसा ले रहे हैं वो पर्टिकुलर डेट की जो आपकी जो EMI है ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पे होती रहे, आपके बैंक से कट होती रहे। जब आप ऑटो सेटअप पे कर लेंगे एंड फाइनल आप अपना जो एग्रीमेंट है उसको ईसाइन कर लेंगे तो लगभग 2 से 3 घंटे के भीतर आपने जो अकाउंट डिटेल डाली है उस अकाउंट के अंदर इस एप्लीकेशन के थ्रू जो लोन का पैसा है सेंड कर दिया जाएगा। भाई आगे का प्रोसेस काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।